नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो है, ओवरव्यू है कि आप देख सकते हैं यामाहा PSR E453। तो चलिए आज का ओवरव्यू देता हूँ इस कीबोर्ड का। अच्छा कीबोर्ड है, और आइए इसके फंक्शन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए पिच बैंड मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी स्मूथ है। और उसके बाद ये स्पीकर विथ ट्यूटर यहाँ पे दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये DSP टाइप लाइव कंट्रोल है, ये असाइन है का बटन है, और ये नॉब्स दो दिए हैं जिनके सहारे आप कट ऑफ, रिवर्ब, अटैक, स्टाइल कट ऑफ, वॉल्यूम बैलेंस, DSP पैरामीटर्स, ये सब आप सेट कर सकते हैं। और बी में दिया हुआ है रिजोनेंस, कोरस रिलीज, स्टाइल रिजोनेंस, रीट्रिगर रेट, DSP पैरामीटर बी नॉब में दिया हुआ है। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं ये पावर बटन है यहाँ पे, और ये वॉल्यूम का बटन है। फिनिशिंग अच्छी है, और पोर्टेबल ग्रैंड ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको पियानो मिल जाएगा। ये डेमो का बटन है, ट्रांसपोज है यहाँ पे, और मेलोडी सुपरवाइज़र का एक बटन दिया हुआ है, और लेसन का है, कॉर्ड डिक्शनरी और रिकॉर्ड का बटन है, ये मेट्रोनम है, टेम्पो टैप है, टैप टेम्पो, और ये स्प्लिट है, ड्वेल है, हारमोनी है, आर्पेजिएटर, ये सारे बटन ऑनबोर्ड ऊपर ही दिए हुए हैं। और सेक्शन ABCDE यहाँ पे हम बात करें तो एक कॉम्प्लीमेंट का बटन है, और स्प्लिट पॉइंट भी है, और AB इंट्रो एंडिंग है, और आप देख सकते हैं ये मेन ऑटो फिल है, सिंक स्टॉप, सिंक स्टार्ट, सिंक स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, ये बटन दिए हुए हैं। और बी साइड में आप करेंगे तो ये आपका ये प्लेयर की तरह काम करेगा, लूप का बटन भी इसमें शायद है, और आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले है, और पैटर्न वन और सॉन्ग और स्टाइल, ये तीन टाइप के इसमें दिए हुए हैं ट्रैक कंट्रोल में, ड्रम्स, बास, कॉर्ड, कॉर्ड टू, पैड, फ्रेज, और सॉन्ग में है राइट, लेफ्ट और 1 2 3 4 क्लियर, और पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 ये इस हिसाब से दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाती है इसमें, बैंक्स हैं, और 4 रजिस्ट्रेशन मेमोरी एक बैंक में मिल जाता है, तो जितने भी इसमें बैंक के हिसाब से आप टोन इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ये डायल व्हील है, और ये कैटेगरी प्लस माइनस है, और ये फंक्शन का बटन है, म्यूज़िक डाटा बेस दिया हुआ है इसमें इसका बटन, और ये न्यूमेरिक पैड्स हैं जिसके हिसाब से आप रिदम्स और अपने वॉइस यानी साउंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्नो का बटन इसमें भी है, एक्सक्यूट का है, और ये DJ पैटर्न भी दिया हुआ है, एक नोट एक बटन, और ये सॉन्ग का बटन है, स्टाइल का बटन है, वॉइस का डेडिकेटेड बटन्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी वॉइस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट है, और स्टाइल का ये लिस्ट है, और ये सॉन्ग का लिस्ट है, और ये पैटर्न का लिस्ट है, और ये स्पीकर है, और PSR E453 इसमें दिया हुआ है। कीज़ की बात करें तो कीज़ बहुत ही स्मूथ है और बहुत यूज़र फ्रेंडली, फिंगर ग्रिप अच्छी बनती है, और आप इसको इजीली बजा सकते हैं। 61 की है, और तो ये है PSR E453। अभी मैं इसके बैक पैनल की बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बैक में हमें क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यामाहा की ब्रांडिंग है, उसके बाद ये हमें देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पे मिल जाता है सस्टेन का एक नॉब मिल जाता है, फोन आउटपुट का है, एक ऑक्स इन का है, और USB होस्ट है, और एक USB डिवाइस है, दोनों दिए हुए हैं, MIDI से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, और ये एडाप्टर दिया हुआ है, एडाप्टर का 12 वोल्ट का, और बाकी ये आप देख सकते हैं इस हिसाब से कीबोर्ड है, और अच्छा कीबोर्ड है।
मुझे अच्छा लगा। बाकी मैंने सोचा इसका ओवरव्यू आप सबको देता हूँ, और ब्लैक मैट फिनिश में इसका कलर दिया हुआ है और देखने में खूबसूरत लगता है। तो ये था PSR E453। तो हाँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिल करता है तो लाइक करें। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।